नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हुई घटना पर सियासत शुरू हो चुकी है। इस घटना को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ललितपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी इस घटना पर बयान दिया। बता दें कि राजधानी लखनऊ के एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद पहुंचे और यहां पर उन्होंने ललितपुर घटना पर बयान दिया और कहा कि हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना देखिए, जो कोई घटना होती है, उस घटना में जब कोई मुकदमा लिख जाए तो मुझे लगता है उसकी विवेचना जो लोग कर रहे हैं उनको विवेचना करना चाहिए और उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकले तब तक हम लोगों का बोलना कोई उचित नहीं रहता। धन्यवाद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी चुनावी पराजय से बौखलाए। मैं उनकी लगातार जो प्रतिक्रिया देखता रहता हूँ वह बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है। कोई घटना हुई और उस घटना की दृष्टि से एक बेटी की मौत हो गई तो उस मौत का कारण क्या है उसको जांचने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज है, उसकी विवेचना हो रही है, उस विवेचना को प्रभावित करने का काम करना, जिसकी सरकार के समय पूरी अराजकता का वातावरण था। आज हर अपराधी को ये मालूम है कि अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। अभी प्रयागराज के थरवाई में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आज बहुत बड़ा खुलासा प्रयागराज की पुलिस ने किया है, तो इन सब घटनाओं का भी खुलासा होगा। उस हमारी सरकार में बहुत ही पारदर्शिता से जांच होती है और जांच के जो दोषी होते हैं उनको जो कानून के माध्यम से सजा दिया जा सकता है वो सजा दी जाती है। ललितपुर के जिला अस्पताल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित किशोरी से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान अखिलेश को पीड़िता ने मिलने के लिए रोका गया, लेकिन बाद में उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की। ये सरकार तो कहती है टर्मिनेट कर देते हैं, लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइनेजर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक आईपीएस को नहीं पकड़ पाए क्या? क्या फेक इनकाउंटर्स नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में? जो भी इस तरह अगर खुली छूट दो दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा। ललितपुर रेप मामले में आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ललितपुर थाने में गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने आई नाबालिग दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने एक्टिव होते हुए आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। यूपीपीसीएल में 2019 में हुए पीएफ घोटाले मामले में नया खुलासा हुआ है। बता दें चेयरमैन संजय अग्रवाल के दस्तखत नियुक्त कार्मिक विभाग की जांच में फर्जी निकले हैं। इसी क्रम में यूपीपीसीएल में 2200 करोड़ के पीएफ घोटाले को लेकर जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में अपना पक्ष रखा है। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल विभाग में 22000 करोड़ रुपए का पीएफ घोटाला हुआ था। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है जीवी पटेल जी, जो केंद्रीय अध्यक्ष है जूनियर इंजीनियर संगठन के। सर, क्या था पूरा मामला, उसके बारे में कुछ शब्दों में बता दें। देखिए, ये जो घोटाला हुआ था पीएफ घोटाला, बेसिकली जो कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह जो कटौती होती है और उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है, दोनों को मिलाकर के एक हमारे यहाँ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है जिसमें पैसा जमा होता है और उस पैसे के निवेश की कुछ सर्टन गाइडलाइन है और उन गाइडलाइनों से इतर जा करके उस समय निवेश किया गया डीएचएफएल में, और डीएचएफएल में जिस समय यह निवेश किया गया और उसके बाद डीएचएफएल बाकायदा दिवालिया की स्थिति में आ गई। तो जितना पैसा उसमें निवेश किया गया था काफी कुछ रिकवर हो पाया, लेकिन लगभग 2200 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा था वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। और 2200 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए और कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ये कुल मिलाकर के ये मामला था। सर, माना ये जा रहा है कि ये पैसे डीएचएफएल में लगे हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके निदेशक थे तत्कालीन, जो अभी जेल में हैं, उनके सिग्नेचर कुछ दस्तावेजों पे मैच नहीं किए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो अगर मैच नहीं किए हैं, ये फोरेंसिक जांच के में ये चीज आई है कि वो मैच नहीं किए हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है।
क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कूट रचित तरीके से कहीं लगा दी जाए और इतने बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से लगा दिए जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी उच्च स्तरीय सर्वोच्च स्तरीय जांच का विषय है। क्योंकि मैं फिर इस बात को दोहराना चाह रहा हूं कि ये छोटे छोटे बचत से जो कर्मचारी अपने भविष्य के लिए, क्योंकि जिन कर्मचारियों का ये पैसा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि वो पैसा उन कर्मचारियों का है जिनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, यानी 2000 के बाद जो ऊर्जा निगमों में सेवा में आए हुए हैं, और वो लोग अपने बाद के जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे वो आफ्टर रिटायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उनका हो, घर बनाने का हो, शादी ब्याह हो, इन सारी चीजों पर इन्हीं बचत, छोटी छोटी बचत के ऊपर निर्भर हैं। और आज वो पैसा मालूम चला कूट रचित तरीके से हस्ताक्षर करके, और वो पैसा इतना, इतनी बड़ी अमाउंट चली जाती है कहीं एक ऐसी कंपनी में लगा दी जाती है जिसकी रेटिंग वो नहीं थी जो मानक होती है, और आज वो दिवालिया हो गई, और दिवालिया होने के बाद स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इसकी बकायदा जांच हो करके और सारे तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में रोकी जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि जांच पूरी पारदर्शिता से और पूरी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पूर्ण की जाए। तो हमारे साथ मौजूद थे विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष जीवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जांच चल रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो और साथ ही साथ जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। जिस बुलडोजर फॉर्मूले के दम पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसी क्रम में अब अतिक्रमणकारियों और अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को प्रशासन मुक्त करा रहा है, जिसके चलते जनपद के उतरौला में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के लगभग 5 करोड़ के सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। आज दिनांक 4 मई 2022 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से एक संपत्ति कुर्क की गई और उस पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर उसे मुक्त कराया है। इस भूमि की बाजारी कीमत लगभग 5 करोड़। खबर कानपुर से है, जहां 4 महीने पहले सड़क हादसे में पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद पत्नी ने धागा फैक्ट्री में काम शुरू किया। फैक्ट्री जा रही महिला के साथ एक युवक अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने तेजाब की बोतल निकालकर महिला पर फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में CHC भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर महिला की हालत गंभीर बता रही है। श्रावस्ती जिले में 18 मई तक पात्र सभी लाभार्थियों का ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। बता दें, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख प्रति परिवार को फ्री इलाज की सुविधा का लाभ मिलेगा। हमारे माइक्रो प्लान तैयार कर लिए गए हैं। आज 4 तारीख से लेकर 18 तक इसका कार्य योजना बनाई जा चुकी है और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ब्लॉक स्तर पे भी MOIC की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन किया गया है। इसमें आरोग्य मित्र सभी जगह कैंप करेंगे और अन्य डिपार्टमेंट से भी सहयोग हम लोगों को लिया जा रहा है। उसके तहत ये कार्ड बनाए जाएंगे और कार्ड बनाने के लिए सरकार कोई भी शुल्क नहीं, सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां एक तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मारपीट में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घंटों बैठाकर मेडिकल नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अब देखना है कि ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होती है। कल शाम में भोलागंज गए तो एक गुड्डू नाम का लड़का है, वो 3-4 लाठी जो है पीछे से मार के गिरा दिया हमें। अच्छा। हम बार बार पूछ रहे हैं कि यार क्यों मार रहे, क्यों मार रहे हैं, मारता ही चला गया। हम गिर गए, बेहोश हो गए, उसके बाद सलमन चले आए। तो यहाँ आए तो यहाँ क्या हुआ, अभी तक आप बैठे हैं? यहाँ सामने आए थे तो ना मेडिकल किया गया ना पट्टी बांधी, कहे कि ये सब काम दिन में होगा 10 बजे। अच्छा। और फिर हम गए प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, पट्टी वट्टी बनवाए और कहे कि आना कल 9 बजे मेडिकल होगा,
रात में वापस कर दिए 10 बजे, अब फिर आए हैं 9 बजे से, अब कह रहे हैं 2 बजे होगा, बैठे हैं अभी तक। हमारे भाई हैं समीम, उनको मार के वहाँ भोलागंज चौराहे पे मारा, मारने के बाद डॉक्टर यानी निहाल के अस्पताल ले गए, वहाँ दवा पट्टी हुई, उसके बाद ब्लाक भेजे। किसने भेजा ब्लाक पे? अरे यहाँ थाने से भेजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेडिकल कराइए, तो डॉक्टर सचान ने मेडिकल को इनकार कर दिया कि हम क्या कहा उन्होंने, रात में हम नहीं करेंगे, हम 10 बजे दिन में लाइए। तो इसकी आप लोगों ने कहीं शिकायत की कि नहीं? नहीं, हमने नहीं की कहीं शिकायत। सिद्धार्थनगर में एसओजी और सर्विलेंस की संयुक्त टीम को 12,000 के नामी बदमाश मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सुहास रोड के पिटनी खुर्द इलाके में कठौवा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के सामने मोहम्मद रईस ने बताया कि कैसर जहां उसकी प्रेमिका है और दोनों मिलकर पहले घरों की रेकी करते थे, फिर मौका पाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लूट के पैसों से ये जमकर मौज मस्ती करते थे। इनके पास से तमंचा कारतूस, करीब 17,500 रुपए के जेवरात, 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं पुलिस की टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए 5,000 का नगद इनाम दिया गया है। एक गैंग को आज पकड़ा गया है जो कि बंद घरों में चोरी करता था जाकर के। गैंग इसका जो ये गैंग लीडर है, ये मोहम्मद रईस है, ये 12,000 रुपए का इनामी अपराधी है जनपद सिद्धार्थनगर का, और ये किराए से यहाँ पर रहते थे, बंद घरों की ये रैकी करते थे और जा कर के रात में वारदात को अंजाम देते थे। इनको आज सुबह कठौवा पुल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। युक्त रईस जो है, इसके ऊपर 28 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये अभी और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से गैंग बना के अपराध कर रहा था और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई, और हमारी टीम जिसने गिरफ्तारी किया है इसको 15। कुशीनगर में सर्विलांस टीम ने लोगों के खोए हुए करीब 7 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। इन मोबाइल फोन को उनके आवेदनकर्ताओं को सौंप दिया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में मिले आवेदनों के आधार पर सर्विलांस टीम को निर्देश दिया था, जिसके बाद इन फोन को बरामद किया गया है। कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जो जनपद में सर्विलांस टीम के पास एप्लीकेशन आते थे मोबाइल चोरी के संदर्भ में, मोबाइल गुम होने के खोने के संदर्भ में, तो उन सारे एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए पुलिस और सर्विलांस टीम ने 50 मोबाइल की रिकवरी की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। आज उन सभी 50 व्यक्तियों को जो मोबाइल के स्वामी हैं उनको बुलाया गया है, उनके मोबाइल उनको हैंड ओवर किए गए हैं। इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन हैं हम उन पर लगातार काम कर रहे हैं और सभी के मोबाइल हम कोशिश करेंगे कि उनके असली व्यक्तियों को तक। अलापुर कस्बे में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक बिजली चमकने लगी और बादलों का आवाज आना शुरू हो गई और कुछ ही देर में अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ बिजली कड़की, जिसमें मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर पेड़ और बिजली पोल भी गिर गई, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक लंबा ट्रैफिक लगा। बता दें कि इस बारिश में क्षेत्र के किसानों को बहुत नुकसान हुआ और तेज हवा चलने से आम की फसल का भी नुकसान हो गया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।